So guys, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका YouTube चैनल ग्रो होगा या नहीं। कैसे आप चेक कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने चैनल पर मेहनत करते रहते हैं बट ग्रो नहीं होता, व्यूज नहीं आते, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं फिर भी व्यूज नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको नया चैनल बना लेना चाहिए या आपको इसी चैनल पर रेगुलर काम करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब पहले से ही कर देना, मतलब पहले से कर दे तो अनसब्सक्राइब मत करना, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम अजनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको ज्ञानन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने चैनल को लेकर क्या टारगेट रखना चाहिए, लाइक आपको कितने महीने में कितने वीडियोस अपलोड करने चाहिए। अगर आपने इतने महीने में इतने वीडियोस अपलोड नहीं किए तो क्या आपका चैनल फ्रीज हो जाता है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं बात। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जुन्नू भाई जब आप खाली बैठे रहते हो तो क्या करते हो। पता है क्या होता है, कभी कभी यार वीडियो बनाने से भी बोर हो ही जाता है बंदा, तो मैं भी ऐसे ही हो जाता हूँ। तो फिर मैं भी अपना ध्यान भटकाना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ, लेकिन मैं खेलता हूँ गेम्स। मेरे को भी रूलेट व्हील्स घुमाना बहुत पसंद है, लेकिन एक विश्वास लायक प्लेटफॉर्म ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहीं को आजमाया भी है लेकिन उनमें बहुत समस्याएं आती है। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक वेबसाइट को चुना था जहाँ पे हम सबका फेवरेट एविएटर गेम भी मिल जाएगा। आपको गेम कैसे खेलना है, पैसा कमाकर उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है, मैंने पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, जाओ और पूरा प्रोसेस समझो। तो पिन कमेंट चेक करो, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है एक एक स्टेप के बारे में। तो जाओ और कमाओ। ओके, तो अब आते हैं पॉइंट पर। अगर आप अपने चैनल पर पिछले 6 महीने से, एक महीने की बात नहीं कर रहा, 2 महीने की बात नहीं कर रहा, पिछले 6 महीने से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो बिना गैप दिए, 1-2 दिन छुट्टी लग जाती है वो एक अलग बात है, अगर 6 महीने से आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो और उसके बाद भी आपका वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप दूसरा चैनल बना लो। अब ये सुनकर डायरेक्ट चैनल बना ले मत निकल जाना, पहले पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तब डिसीजन लेना। ये देखो भाई, आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपकी लाइफ का डिसीजन है। बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं यूट्यूब पर कैरियर बनाऊं, तो यूट्यूब को समझना भी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो 6 महीने में अगर आपका एक वीडियो भी वायरल नहीं हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दूसरा चैनल बना लो। किस कंडीशन में आपको दूसरा चैनल बनाना चाहिए, आगे बातें करेंगे। अगर आपका शॉर्ट चैनल है और आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो पिछले 3 महीनों से और एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, एक भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भाई चैनल छोड़ दो, दूसरा बना लो। लेकिन मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं, अगर आप 3 महीने तक शॉर्ट्स अपलोड करते हो बिना गैप दिए, मैं लिख कर देता हूं भाई, आपका एक वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। और अगर आपका 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में एक वीडियो वायरल हो गया, तो इसका मतलब आपका चैनल ओके है, आपका 100% चैनल ग्रो होगा। ये आपको समझ आया। अब करते हैं लॉन्ग वीडियोस की बात। लॉन्ग वीडियो पे आज के टाइम में व्यूज लेकर आने एक बहुत बड़ी बात हो रही है, बिकॉज जब से शॉर्ट आए तो भाई शॉर्ट पे यूट्यूब ज्यादा फोकस कर रहा है, तो लॉन्ग वीडियो पे व्यूज लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप पिछले 6 महीने से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो, हर रोज एक वीडियो या हर 2 दिन में एक वीडियो, फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नया चैनल बना लो। ये समझ आ गया। अब अगर आपके वीडियोस ऐसे हैं जिनमें दम नहीं है, लाइक आप 2 मिनट का वीडियो बनाते हो, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूं, या आप 4 मिनट का वीडियो बनाते हो और आपकी कोई वीडियो 5 मिनट की है, उसका ऑडियंस रिटेंशन जाकर चेक करो। अगर 5 मिनट की वीडियो पे 2 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, 3 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका चैनल ओके है, लोग आपकी वीडियोस को देख भी रहे हैं। अगर नहीं देख रहे ना, तो आपको कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसे आप 6-10 महीने तक वीडियो बनाते रहना, तब भी वीडियो वायरल नहीं होगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये बात को अच्छे से माइंड में डाल लेना। आपको यूट्यूब पर अगर सच में ग्रो करना है ना, सीरियसली बता रहा हूं, आपको 6 महीने सब कुछ भूलना पड़ेगा, लाइक आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भाई, यारी दोस्ती भी खत्म करनी पड़ जाती है अगर आपको YouTube पर ग्रो करना है। आपको बिल्कुल YouTube पर फोकस करना है, कंटेंट डे बाय डे इंप्रूव करना है। कल जो वीडियो बनाया उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो डिमोटिवेट होकर मत बैठो, अगला वीडियो सोचो कि मेरे को क्या बनाना है। जब तक आप अगला वीडियो इंप्रूव नहीं करोगे पिछली वीडियो से, तो तब तक आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाओगे। इस बात को अच्छे से माइंड में डाल लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूब तो ऐसे ही है, कुछ भी चल जाता है। कुछ भी नहीं चलता है, जिस वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है वही वीडियो वायरल होता है।
अगर कोई गंदा वीडियो वायरल हो रहा है ना, तो उस वीडियो को लोग दो दो तीन तीन बार देखते हैं, बिकॉज गंदे गंदे वीडियोस होते हैं ना, कुछ अश्लील वीडियो, उनको लोग दो दो तीन तीन बार देखते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है, तो YouTube उस वीडियो को वायरल कर देता है। तो आपको नया चैनल कब और क्यों बनाना चाहिए? आपको नया चैनल तब बनाना चाहिए जब आप बहुत बेस्ट कॉन्टेंट बना रहे हो, आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब जो वॉच टाइम वाला होता है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, वॉच टाइम वाला जो होता है वो हर वीडियो पे अप आ रहा है, फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपके चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपको नया चैनल बना लेना चाहिए। अगर आपकी वीडियो पे सारी वीडियोस पर वॉच टाइम डाउन है, तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नया चैनल बनाओ, फिर तो आपको कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। यूट्यूब कभी कभी किसी चैनल को 2 साल में भी ग्रो करता है, जब तक बंदा अच्छा कंटेंट नहीं बनाएगा तब तक उसका वीडियो वायरल नहीं होगा। अच्छा कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपने पिछला वीडियो बनाया उससे बेस्ट वीडियो बनाओ। पिछला वीडियो क्यों नहीं चला? बिकॉज इंटरेस्टिंग नहीं था। तो अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो और डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हो और 3 महीने में अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होता, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं आप सच में कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे। अगर 3 महीने के अंदर भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, लोग एक एक महीने में 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर कर रहे हैं शॉर्ट्स पर, और आप लोगों का 3 महीने में वीडियो वायरल नहीं हो रहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके कंटेंट में कुछ भी दम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि यार बस अब तो मैं नया चैनल बना लूं, ये ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ग्रो? आप वॉच टाइम तो अच्छा लेकर आओ, वॉच टाइम अच्छा लेकर आओ अपनी वीडियो पर, लोग आपकी वीडियो को देखने चाहिए, 100% आपका चैनल ग्रो होगा। नया चैनल बनाने से कोई यूट्यूब जल्दी बूस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई एल्गोरिदम में लिखा हुआ नहीं है कि नया चैनल बनाओगे तो जल्दी से बूस्ट हो जाएगा। भाई फालतू के काम आपको बंद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि यूट्यूब पर फोकस आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार वीडियो पे व्यूज तो आते ही नहीं, 4 से 5 व्यूज आते हैं तो क्या ही एडिटिंग अच्छी करूं, तो यही तो गलत चीज है आपके माइंड में। जब एडिटिंग अच्छी करोगे ना, तो तभी तो वो 4 से 5 व्यूज 4-5 हजार व्यूज में कन्वर्ट होंगे। और जो आपके भी 100-200 व्यूज आ रहे हैं ना, अगर इनको 1,00,000 या 10,000 में कन्वर्ट करने हैं ना, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, पहले से बेटर कंटेंट बनाओ, पहले से बेटर वीडियोस बनाओ। लास्ट में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी वीडियो को, जो टेक वाले आपके वीडियोस होते हैं, अपने दोस्तों के पास मत शेयर किया करो। लाइक दोस्तों के पास भी नहीं, अपने व्हाट्सएप पर मत शेयर किया करो, क्योंकि जिसको जरूरत नहीं होती आप उसके पास शेयर कर देते हो, वो आपकी वीडियो पर क्लिक करता है फिर वापस भाग जाता है, तो फिर क्या होता है, आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाता है, वीडियो का वॉच टाइम खराब हो जाता है, YouTube फिर आपकी वीडियो को वायरल नहीं करेगा। आई होप आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, इतना सा भी डाउट आपके माइंड में, तो कमेंट करो, मैं सभी के कमेंट्स रीड करने वाला हूँ इस वीडियो के। तो अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।